हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी पनीर भुर्जी। तो देख लेते हैं इसके लिए जो सामग्री लगेगी। यहाँ पर मैंने एक कटोरी पनीर लिया है, इसे कद्दूकस कर लिया है। एक टमाटर और दो प्याज, इन्हें दोनों को मैंने लंबे पीस में कट कर लिया है। चार चम्मच दही, एक कटोरी हरा धनिया, चार लहसुन की कलियां और एक बड़ा टुकड़ा अदरक, इन दोनों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। दो हरी मिर्च, दो चम्मच बेसन, सूखे मसालों में एक चम्मच किचन किंग मसाला, एक चम्मच छोले मसाला, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच सांबर मसाला, एक चम्मच पाव भाजी मसाला, एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच हल्दी लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें सबसे पहले बेसन को भून लेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर हम बेसन को अच्छे से गुलाबी होने तक भून लेंगे। बेसन अच्छे से भून गया है, इसका कलर भी बदल गया है और खुशबू भी आ रही है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम दो चम्मच सरसों का तेल गरम कर लेंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। बेसन को एक बाउल में ले लेंगे, इसमें दही डाल देंगे, सारे सूखे मसाले डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करके उसमें सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और दही का बनाया था वो डाल देंगे। अब गैस को वापस से ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। एक कटोरी पानी डाल देंगे। अब इसको एक उबाल लेंगे। मसाले में एक उबाल आ गया है, अब गैस को बंद करके इसे मसाले को एक बाउल में निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में दो चम्मच तेल गरम कर लेंगे और दो चम्मच बटर डाल देंगे। प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छा गुलाबी होने तक भूनना है। प्याज थोड़ा भून गया है, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन, इसे भी 5 मिनट भूनने देंगे। टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब जब तक हमारे टमाटर गलते नहीं है, तब तक हम इसे भूनने देंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब इसमें मसाला डाल देंगे। मसाले को तेल छोड़ने तक अच्छे से भून के ले लेंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाला एकदम अच्छे से भुन गया है। इसमें दो हरी मिर्च, आधा टमाटर और आधा प्याज मिक्स कर लेंगे।
पनीर डाल देंगे। पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 5 मिनट बॉईल होने देंगे। अब इसमें एक टुकड़ा पनीर का किसके डाल देंगे। अब इसमें 2 चम्मच क्रीम डाल देंगे। स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रहने देंगे। पांच मिनट हो गया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया डाल देंगे। अमृतसरी पनीर भुर्जी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।